नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एफएमसीजी की, किंग की। एफएमसीजी की आप कह सकते हैं सबसे जायंट कंपनीज में से एक दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जहां पर मुझे लगता है कोई भी गिरावट सिर्फ और सिर्फ एक खरीदारी का मौका हो सकती है। यह वो कंपनी है जो आपको निवेश के बहुत बहुत शानदार मौके देती है। कौन सी वो कंपनी है, क्या है पूरा मामला, क्यों ये बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, और अभी जिस तरह से वो लगातार एक्विजिशन करती चली जा रही है, क्यों एनालिस्ट भी इसमें बहुत बहुत ज़्यादा बुलिश है। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या आप निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है आपको ये वीडियो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधे लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड दोस्तों, क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लगभग फ्लैट सा इसने क्लोजिंग दिया दोस्तों। क्या क्लोजिंग दिया है, फ्लैट सी लगभग क्लोजिंग दिया दोस्तों इसने, ठीक है। और अगर मैं आपके साथ आगे चर्चा करूं तो आप देखेंगे कि पिछले एक महीने में स्टॉक कहीं नहीं गया दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 2% के आसपास की आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन जब हम पिक्चर एक साल करते हैं ना, तो स्टॉक ने 8.5% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन दोस्तों ये जो मौका जो यहाँ मिला था ना खरीदारी का, एक ये मौका और मुझे लगता है दूसरा मौका एक ये डब्बे में, ये बहुत बहुत शानदार समय था दोस्तों इन्वेस्टमेंट का स्टॉक के लिए। क्योंकि देखिए अगर आप इन स्तरों पे निचले स्तरों पे लिए रखे रहते तो आपके पास एक समय में दोस्तों स्टॉक ने जिस प्रकार के रिटर्न दिए, आप देखेंगे लगभग 40% के रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिए हैं। अब हर कोई भाई बॉटम में थोड़ी खरीद पाता है, तो मान लीजिए अगर आप यहां से खरीद रहे थे तो आप यहां पाएंगे दोस्तों कि यहां से भी अगर आप देखते हैं ये 2100 भी अगर आप देखेंगे वहां से भी आप अप्रोक्सीमेटली 28-29% की तेज दिखा देते। लेकिन अब ये स्टॉक में दोस्तों बहुत समय बिता रहा है इन लेवल्स पे। ये मैं आपको जरा दिखा दूं, आप देखिएगा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है ना ये रहा इन लेवल्स पे बहुत अच्छा, कह लीजिए आपको दिखा रहा है सपोर्ट। और क्योंकि देखिए आप समझिए ये अगर टूटेगा ना तो फिर सीधा आप देखेंगे स्टॉक के पास यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पे, तो ये कौन से लेवल से, देखिए सबसे पहला सपोर्ट 2500 यानी कि जो 2500 का लेवल है जहां से ये लगभग 60 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है, 2500 का जो लेवल है दोस्तों इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भाई ये अगर टूट जाता है तो सीधा आपको यहाँ पे दिखेगा सपोर्ट जो कि लगभग मुझे लगता है 2300 के आसपास आता है। जी हाँ दोस्तों एक्चुअल का भी हिसाब बहुत क्लियर दोस्तों, क्या पहले 2500 आएगा, अगर 2500 टूट जाता है तो धीरे से आपको स्टॉक 2300 के आसपास मिलेगा, ठीक है। और अगर 2300 भी टूट जाता है तो फिर कोई भी इसमें रॉकेट साइज नहीं दोस्तों, नेक्स्ट जो चीज आपको मिलेगी वो सीधा मिलेगी ये देखिए 2150 यानी कि 2110 से लेकर के 2150। और यकीन मानिए इतना सिंपल है दोस्तों एचयूएल में बातें करना, क्योंकि आप खुद समझिए एक चीज को, आपको एचयूएल जैसी जायंट कंपनी अगर इतने अच्छे वैल्यूएशन मिलेगी तो लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत बहुत अच्छे लेवल्स होते हैं। तो यदि आप, मुझे लगता है 2500 में आपकी नजर रखनी चाहिए, अगर वो टूटता है सीधा सीधा 2300 है, फिर 2100 है, और उसके बाद दोस्तों जो पिछली बार आया था जो आना मुझे थोड़ा सा टफ और मुश्किल लगता है वो देखिए वो लेवल है 1950। जी हाँ दोस्तों उसके बाद सीधा सीधा जो आता है वो है 1950। लेकिन यहां तक जाना मुझे गलत लगता है, उससे मुझे इम्पॉसिबल लगता है, ठीक है। और अब अगर हम आगे चलें, आप देखिए इधर तो आप देखिए बीच में आया था एचयूएल हिट्स 52 वीक हाई, 52 हफ्ते का हाई उन्होंने टच किया है एज कंपनी फोरेज इनटू हेल्थ एंड वेलबींग कैटेगरी। दोस्तों कंपनी हेल्थ और वेलबींग कैटेगरी में आगे बढ़ी है, तो शायद ये 52 वीक हाई भी टच कर सकती थी, आगे है 52 टच की थी दोस्तों। क्या है, द कंपनी विल बी बाइंग अ मेजोरिटी स्टेक इन जीवा वेंचर्स प्रमोटर ऑफ ब्रांड ऑफ ओजीवा, ठीक है, जिसमें लगभग 20% स्टेक था, ठीक है, इन वो 20% स्टेक ले रही थी न्यूट्री लैब में दोस्तों। तो देखिए लगातार एक्सपेंशन आ रही है एचयूएल की, जो पूरी मैनेजमेंट है ना दोस्तों, एचयूएल की जो पूरी मैनेजमेंट है
वो कभी भी शांत नहीं बैठते दोस्तों, लगातार इसमें कुछ ना कुछ बिजनेस जारी रहते दोस्तों। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ HUL फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, अब बात करें थोड़ा सा कि बुलिशनेस क्या है। तो देखिए, ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर रिमेन्स बुलिश ऑन FMCG सेक्टर गिवन लो पेनेट्रेशन इन सिल्वर प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड लो FMCG पर कैपिटल कंजम्पशन $46 वर्सेस अदर डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो देखिए प्रभुदास लीलाधर की जो आप कह सकते हैं ब्रोकरेज फर्म है, वो ये कह रही है भाई हम स्टॉक में ना हम पूरे के पूरे FMCG सेक्टर में बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। पीछे का रीज़न ये है कि बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है और बहुत सारे ऐसी कैटेगरी FMCG की जो पर कैपिटल कंजम्पशन में बहुत कम है। और एक्चुअल में पर्टिकुलरली अगर बात कहा जाए, द ब्रोकरेज सेड इन अ नोट इट रिमेन्स पॉजिटिव ऑन ग्रोथ गिवन HUL's लो पेनिट्रेशन। ठीक है, HUL के लो पेनिट्रेशन का ना बहुत ज्यादा वो के लिए जो पॉजिटिव है विथ 31% कंजम्पशन। ठीक है, 31% की कंजम्पशन होती है जबकि 69% की पॉपुलेशन है एंड इट्स स्ट्रॉन्ग रीच राइजिंग एफ्लुएंस इंक्रीजिंग स्कोप ऑफ प्रीमियमाइजेशन फेवरेबल डेमोग्राफिक विद लार्जर शेयर ऑफ मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी पोर्टफोलियो स्टैंडिंग प्राइस सेगमेंट to cater to all class of customers, sustain innovation, renovation and new launches and higher growth and market share in channel of modern term trade and e-commerce. देखिए, हर एक क्षेत्र में HUL आपको मिलेगा, तमाम कंपनी से वो आगे नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा आगे है। और आप समझिए कि इसकी पेनेट्रेशन भी कम ज्यादा होने की बात चल रही है, जिस तरह इसकी स्ट्रॉन्ग रीच है दोस्तों और इसका लगातार जो पढ़ता हुआ एफ्लुएंस दोस्तों, जो ये प्रीमाइजेशन में फोकस कर रही है, प्लस आप देखिए जो इतना फेवरेबल डेमोग्राफिक है दोस्तों कि जो मिलेनियल्स और जेन ज़ी है वो बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी दोस्तों FMCG निवेश के लिए। मुझे लगता है 2100 के आसपास, जी हाँ दोस्तों 2100 के आसपास स्टॉक आपको बहुत शानदार मौके देने वाला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।